क्योंकि वो भी अपना अनुदेशक भाई है, हम अनुदेशक भाई से लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग सरकार से लड़ने आए हैं, तो आपको नमन है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने सही कहा। तो अब उन विभीषणों से हम लोग को दूर रहना है, अब उन विभीषणों से दूर रहना है। अब आपको मैं बताऊं, एक उसके बाद एक और कहानी सुन लीजिए। जब गर्मी छुट्टी के बाद 11 जुलाई को फिर केस प्रारंभ हुआ, इन लोगों ने मन बनाया कि एक एप्लीकेशन दे दिया जाए एपीसी को, इस केस से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि एपीसी रहेंगे केस जल्दी निपट जाएगा, तो जो दुकान चल रहा है उसमें ग्राहक कहाँ से आएंगे। बात समझिए, चिंता तो ग्राहक की है ना। हम आप भले 17,000 पाए या न पाए, कई लोग 17,000 हर साल पा रहे हैं, तो इन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि एपीसी नहीं आएंगे एप्लीकेशन देने का। अब मैं कई जिला में जा रहा था, लोगों ने कहा कि एपीसी आना चाहिए, हम कहा भाई जो लोग लेके आए थे वो लोग चाह रहे नहीं आएंगे, अब हम कैसे लाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से आप लाइए, क्योंकि हम जानते हैं एपीसी आपके नाते आए थे। मैंने कहा चलिए भाई प्रयास करूँगा। मैंने एपीसी सर को फ़ोन किया कि सर आपकी डिमांड लोग कह रहे हैं 11 जुलाई को आप आना चाहिए आपको। उन्होंने कहा ये बताओ, मुझे जो सुनने में मिला है और तुमको भी सुनने में मिला है कि वो लोग एप्लीकेशन डालने वाले हैं कि 11 जुलाई को एपीसी जी इस केस में नहीं रहेंगे। अब बताओ मैं वहाँ से आऊँ और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाला रहे और मुझे जज वहाँ खड़ा नहीं होने देगा, जज खड़ा नहीं होने देगा ना कि आप कौन है, चलिए आप, तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी आप बताओ, तो मैं कैसे आऊँ बताओ। मैं आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी समस्या का निदान, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कहा देखो एक काम करो, एक तरीका है, तुम इस केस में शामिल हो। आपको मालूम होगा मैं भी इस केस में शामिल हो गया हूँ, मैं इस केस में पहले नहीं था, लेकिन यही सब कहानी जब मैंने देखा तो एक तरीका एपीसी सर ने निकाला और उस तरीके से मैं भी इस केस में शामिल हो गया हूँ, और इंटरवेनर के रूप में, याची मैं डायरेक्ट नहीं हूँ लेकिन इंटरवेनर हूँ। इंटरवेनर का मतलब होता है कि इस केस में मेरा भी हित जुड़ा है, इसलिए मुझे भी सुना जाए। और हमारे तीन वकील हैं, एपीसी बालमुकुंद सिंह, सत्येंद्र सिंह, तीन, दो इलाहाबाद के और एक एपीसी, तीन वकील हम उसमें नाम देखे होंगे, देखिएगा आप, तीन वकील का नाम है एपीसी, बीएमसी और सत्येंद्र कुमार सिंह, आप आदेश देखिएगा तो तीन वकील का नाम है, तो तीनों हम लोग के वकील हैं, मतलब इंटरवेनर विक्रम सिंह के। उसके बाद आए हो सुनवाई, अब 11 जुलाई को आप देखिए ना, कोई याची पहुंचा था, कोई याची नहीं पहुंचा था, ना कोई उनका वकील पहुंचा, सिर्फ एपीसी पहुंचे और हम लोग पहुंचे। उस दिन एपीसी नहीं पहुंचे होते तो केस हम लोग का उसी दिन खारिज हो गया होता, मतलब कहानी खत्म हो जाती, क्योंकि विपक्ष का कोई था नहीं। तो एक कहानी रची जा रही है, अब इसके बाद भी हम लोग यदि रजाई तान के घर में सोए रहें तो फिर डीके भाई क्या कहना है। तो मैं यही सब आगाह करने आया हूँ आपको, और मैं ये भी कह के जा रहा हूँ कि मुझ पर भी भरोसा मत करिए, हो सकता है मैं भी घर में रजाई के अंदर रह के पोस्ट डाल दूँ, तो मुझ पर भी भरोसा मत करिए। आप भी अपना आँख कान नाक सब खोल के रखिए, सबको वाच करिए, पता करिए, सिर्फ स्कूल आना जाना ही मत करिए, फोन से घुमाइए, पता करिए, उसके अगल बगल के साथियों से पता करिए कि पता करो गोरखपुर के साथी हैं विक्रम सिंह गए हैं कि नहीं इलाहाबाद, नहीं करेंगे तो फिर 10 साल हुआ है, 10 साल और लगेगा। तो यही मैं बताना चाहता हूं आपसे। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, हम अपने नाम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैबिनेट दाखिल हो चुकी है, 14 दिसंबर को कैबिनेट दाखिल, बहुत से लोग इसमें जानते होंगे कैबिनेट के बारे में, जी सर बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कैबिनेट के बारे में, तो सर आप बता दें, आइए सर, शुभ नाम सर आपका, आइए, ताली बजाइए भाई राकेश जी के लिए। कैबिनेट के बारे में बताएं, कैबिनेट के बारे में जो होता है, अगर कोई पार्टी से विवाद चलता है, हमारा सरकार से विवाद चलता है, सरकार कोई भी फैसला हमारे बिना उपस्थिति के बहाना ही सुनाएगी, और कैबिनेट नहीं पड़ी होगी तो उस केस में सरकार हमारे
वहाँ पर ना होते हुए भी उसे फैसला सुना देगी, इसे कैबिनेट बोलते हैं। जो फैसला सुनाएगी वह हमारी मजबूती में सुनाएगी, बिना मजबूती नहीं सुनाएगी। सही, बिल्कुल सही कहा। जैसे 17,000 सरकार ना देना चाहे तो रोकेगी ना, तो कहाँ से रुकेगा? सुप्रीम कोर्ट से, और कोई नहीं रोक पाएगा। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि 17,000 हमको नहीं देना, इसको रोक लगाइए। तो हमने यदि कैबिनेट नहीं दाखिल किया होता तो वहाँ पे क्या होती, सिर्फ सरकार की बात सुनी जाती और उसी पे फैसला हो जाता। अब कैबिनेट दाखिल करने से फायदा यह है कि यदि सरकार जाएगी, हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि जाएगी, लेकिन फिर भी अपना सुरक्षा करना जरूरी था, क्योंकि सरकार पे भरोसा भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ कैबिनेट दाखिल कर दिया कि सरकार यदि वहाँ जाएगी प्रियंका जी, तो वहाँ हम लोग को भी बुलाया जाएगा कि सरकार आपके खिलाफ आई है, आप भी अपने वकील को लेकर आइए और अपनी बात कहिए, तो दोनों की बात सुनी जाएगी, तब जो फैसला आएगा। ऐसे कोई विरोध करने वाला रहेगा ही नहीं, तो सरकार अपना चाहेगी फैसला करा लेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने कैबिनेट दाखिल किया। बहुत लोगों ने कहा कि विक्रम सिंह याची है ही नहीं, तो विक्रम सिंह कैबिनेट कैसे दाखिल कर सकते हैं? अरे आपको इतना समझना चाहिए, विक्रम सिंह के पास सुप्रीम कोर्ट का वकील है जो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकता है। निर्भया केस में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था एपीसी ने, आप लोगों को जानकारी होगा, नहीं तो गूगल सर्च कर लीजिएगा एपीसी के बारे में। 15 से 20 लाख रुपया हियरिंग है उनका, 15 से 20 लाख रुपया। और ऐसा व्यक्ति यदि अनुदेशक के लिए लड़ रहा है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुरेंद्र दुबे 75 साल का व्यक्ति, 75 साल, क्या गरज पड़ी है उनको? दैनिक जागरण के संपादक रह चुके हैं कई शहरों में, वो व्यक्ति 8 से 9 बजे तक बैठकर डिबेट कर रहा है, क्या जरूरत है उसको? उनका कोई रिश्तेदार अनुदेशक है? विक्रम सिंह उनके रिश्तेदार हैं, विक्रम जी तो जानते भी नहीं थे उनको, लेकिन हम आप शायद डिबेट में घर बैठे जुड़ना है जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहां जितने लोग बैठे हैं हम लोग तो जुड़े ही जुड़े, हर व्यक्ति 10 लोगों को कम से कम जोड़े। और ठीक है आपको नहीं सुनना है कोई बात नहीं, आप मोबाइल ऑन करके छोड़ दीजिए ना, आप मोबाइल पर लगा लीजिए डिबेट, वो चल रहा है, आप अपना काम करते रहिए, उसमें लाइव दिखनी चाहिए, लाइक कितना लाइव आ रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। जितना ज्यादा ज्यादा लाइव आएगा, ये मीडिया के लोग जानते हैं लाइव का क्या मतलब है, जितना ज्यादा ज्यादा लाइव दिखाई देगा बहन जी, उसका मतलब बहुत पड़ता है, सरकार का खबर जाती है लाइव से, सरकार के लोग बैठे हैं मीडिया पे, वो खबर जाती है कि इतने लोग इस डिबेट को देख रहे हैं। उसके बाद मीडिया की बातों से सरकार को भी लगता है कि नहीं इनकी बातों को मानना चाहिए, तो घर बैठे 1 घंटा देना है, तो इसको आप लोग हम लोग दीजिए कम से कम 1 मिनट से। हेलो, लखनऊ में धरना प्रदर्शन के लिए कर भी नहीं रहे अभी, जरूरत पड़ेगा वो भी किया जाएगा, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जरूरत उसकी नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो वो भी किया जाएगा। अभी सरकार से पहले 17,000 ले लिया जाए 1 साल का, उसके बाद 1 मार्च से पहले, चूँकि 3 महीने का टाइम होता है आप लोग जानते होंगे, 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को अपनी अपील भी दायर करनी है कि बाकी जो बचा है 18, 19, 20, 21, 22 का पैसा हमको दिया जाए, उसके लिए भी अभी दायर करना है। तो इसीलिए हम, क्योंकि वहाँ बड़ी लंबी लड़ाई है, वहाँ एक और वकील, एक दो और करना पड़ेगा, 2-3 लोगों को वहाँ खड़ा करना पड़ेगा, जिससे हमारी बात जो है मजबूती से, क्योंकि वो हमारे लिए अंतिम लड़ाई है, इस लड़ाई में हम चूक गए तो फिर हम लोग की कहानी समाप्त हो जाएगी। तो यही आह्वान हम लोग करने आए हैं, इसीलिए हम जनपद बार दौरा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर इस लड़ाई को हम लोग लड़े, और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, इसके बाद नियमितीकरण का लक्ष्य है, उसको भी पूरा करें, और नियमितीकरण जब हो जाएंगे तो सारी समस्या हम लोग की अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो यही सारी बातें हैं हमारी तरफ से, और भी आपको कोई मन में सवाल हो, हमें लगता है कि सारी बात आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई भाई बंधु पूछना चाहता हो तो आप पूछ सकते हैं, माइक आपके पास जाएगा अभी, और आप अपनी जो भी सवाल हो आप निसंकोच
उन लोग को दीजिए। हेलो सर, ये होगा।